नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे आंखों की पलकों में जो सिस्ट पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है और हम इससे बहुत परेशान रहते हैं, इसका ऑपरेशन तक कराने की स्थिति आ जाती है। होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएँ इस सिस्ट को ख़त्म करने की हम आपको बताते हैं, चार ऐसी कारगर दवाएँ। लेकिन उससे पहले साथियों बता दें, कोई भी समस्या हो इस वीडियो या किसी वीडियो या यूट्यूब पे या कहीं भी आप कोई भी दवा देख रहे हो, बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करें कोई भी दवा ना लीजिएगा। यूं अपने मन से दवा लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चलते हैं साथियों, बताते हैं उस सफ़र पे आपको, जिस पर कि 4 से 5 कारगर होम्योपैथिक दवाएँ आपकी आई की सिस्ट को ख़त्म करने की। नंबर एक दवा साथियों जो होम्योपैथी में आई सिस्ट को ख़त्म करने की, आँख के ऊपर पलकों पे गांठ को ख़त्म करने की है, वह है कैल्केरिया फ्लोरिका। आप कैल्केरिया फ्लोर 6x पावर में 4-4 गोली दिन में 4 बार गुनगुने पानी से लीजिए, 2 से 3 महीना लीजिए, आपके जो गांठ पड़ी है आँखों की पलकों के ऊपर वह घुल जाएगी और आपको राहत दे देगी। और अगर कैल्केरिया फ्लोर आपके लिए ना काम करे तो इसी श्रृंखला की दूसरी दवा है नाइट्रिक एसिड, एसिडम नाइट्रिकम एक ही नाम है। आप नाइट्रिक एसिड 200 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली करके हर हफ्ते आप नाइट्रिक एसिड की 3 खुराक ले लीजिए। यह भी आपके आँख की गांठ को गुलाने में सहायक है, यानी हफ्ते में एक दिन आप नाइट्रिक एसिड लीजिए, बाकी 6 दिन आप कैल्केरिया फ्लोर 6x लीजिए। एक स्थिति आ सकती है आप में कि बहुत लोग होते हैं जिनकी आंखों पे बार बार यहाँ पे कंजिया निकलती है और गांठ पड़ जाती है। तो अगर आपके कंजिया निकल रही है और गांठ पड़ रही है तो उस स्थिति में आपके इस गांठ को घुलाने की बहुत कारगर दवा है स्टेफिसैग्रिया। स्टेफिसैग्रिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं, जब आपके कंजिया हो, आपके गांठ पड़ती हो और वह आपको परेशान करती हो। एक स्थिति आती है साथियों, आपकी जो गांठ हो आँख के बाहर की तरफ पलकों में, वह बहुत हार्ड हो, बहुत सख्त हो, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि हार्ड नोड्यूल हो आपको, तो उसको मुलायम करने के लिए बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में कोनियम मैक्यूलेटम। आप कोनियम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लीजिए, साथ में कैल्केरिया फ्लोर 6x ले लीजिए, आपके आँखों के पलकों की गांठ घुल जाएगी। एक स्थिति आती है कि आपके नीचे वाली पलक पे गांठ और सूजन पड़ रही है, तो अगर यह स्थिति हो कि आपकी लोअर आईलिड पे गांठ और दिक्कत हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एपिस मेलिफिका। एपिस मेल 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं अपनी गांठ को गुलाने के लिए, जब वह आपके नीचे वाली पलक पे लगातार पड़ती हो। एक स्थिति साथियों आती है आपकी इस स्थिति में कि आपके गांठ पड़ी हो और उससे मवाद निकल रहा हो, तो अगर वह स्थिति हो साथियों, तो उस मवाद को सुखाने की, उस पस फार्मेशन को सुखाने की बहुत कारगर दवा है हिपरसल्फ्यूरिस। हिपरसल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले लीजिए, यह दवा आपकी जो पलक है उसके सारे मवाद को बाहर कर देगी एक बार में और आपको सामान्य कर देगी। और अगर ये तो हो गया जब आपके पस बहुत पका हुआ निकल रहा हो, और अगर मवाद नहीं निकल रहा है और गांठ है और हल्का हल्का पानी निकल रहा है, तो इस स्थिति की बहुत अच्छी दवा है साइलिसिया। साइलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके गांठ सख्त हो और उससे पानी रिस रहा हो। साइलिसिया के मरीज को ठंडक बहुत ज़्यादा लगती है और वह गर्मी में भी रजाई ओढ़ने का प्रयास करता है, और गर्मी में उसको दिन में गर्मी ज़्यादा लगती, गर्मी में गर्मी ज़्यादा और सर्दी में सर्दी ज़्यादा, तो आप साइलिसिया के मरीज हैं। आसाइलिसिया 30 पावर में लेके आप अपनी गांठ को खुला सकते हैं। ये साथियों को दवाएं थी आपकी आंखों के गांठ के विषय में, बहुत कारगर दवाएं हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा। आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं या यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में क्वेरी को लिख सकते हैं, कोशिश करेंगे आपकी बात का संतोषजनक जवाब दिया जा सके। निवेदन करेंगे साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यूं ही प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।